देवी सहाय सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती नौ जालंधर में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। जालंधर के बस्तियात क्षेत्र का एकमात्र स्कूल जहां नॉन मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां के प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा, जिन्होंने सन 2001 में यहां पर प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला, उनकी कठिन मेहनत व परिश्रम से ये स्कूल निरंतर तरक्की कर रहा है। विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो उनके कार्यभार संभालने के वक्त विद्यार्थियों की संख्या 1100 के लगभग थी, जो कि निरंतर बढ़ती हुई आज 1800 के करीब हो चुकी है। सुबह की प्रार्थना सभा में एकत्रित विद्यार्थियों का समूह पूरी तरह से अनुशासन में परमात्मा की शक्ति में लीन इस बात का साक्षी है। प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा जी के अंथक प्रयासों के फलस्वरूप ये स्कूल खेलों में भी विशेष प्राप्तियां कर रहा है। यहाँ पर क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो जैसी आउटडोर खेलों के अतिरिक्त कैरम तथा शतरंज इंडोर खेलों का प्रबंध है। इससे बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा ने आज के दौर में शिक्षा में हो रहे बदलाव को समझते हुए स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करवाई, जिसमें बच्चे अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जाती। विद्यार्थियों की सेहत तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा ने स्कूल में सिक रूम की व्यवस्था की, जिसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर को रखा गया, जो निरंतर बच्चों की डॉक्टरी जांच करते हैं तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हैं और उपचार करते हैं। मैं देवी सहाय एसडी सीनियर स्कूल में डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ रोज बच्चों का चेकअप करती हूँ, जिनमें उनके दांत, आंखें, ब्लड प्रेशर, उनके नाखून सब चेक किए जाते हैं, ताकि उनका समय रहते उनकी जांच हो सके। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रिंसिपल जी ने स्कूल में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, जिसमें सभी विषयों तथा भाषाओं के असंख्य पुस्तकों को शामिल किया गया। प्रिंसिपल राजकुमार शर्मा के आने से पहले स्कूल में केवल आर्ट्स ग्रुप की ही व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने क्षेत्र के लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए शिक्षा विभाग से 10वीं और 12वीं के लिए कॉमर्स तथा नॉन मेडिकल ग्रुप की आज्ञा ली और स्कूल में साइंस विषय की दो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनवाई, जहाँ विद्यार्थी अपने प्रयोग करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कूल की उन्नति के लिए एनसीसी तथा एनएसएस यूनिट भी आरम्भ करवाए। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के आने जाने के लिए बस तथा वैनों का भी प्रबंध किया। इस प्रकार उनके अथक प्रयासों की वजह से आज स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें 2017 में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया।